आदि अनादि काल से ही भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का खास महत्व माना जाता रहा है। दीपावली से एक दिन पहले आने वाली रूप चतुर्दशी के इस खास पर्व को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं रूप चतुर्दशी पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने के लिए जतन करती हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी महिलाओं को सस्ते सवरते देखकर सात समुंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया, जहां पर न केवल उन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार भी किए। पर्यटकों के अनुसार उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है। भारतीय सिनेमा ने उन्हें हिंदी सिखाने के लिए उत्साहित किया। भारतीय ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी के दिन नरकासुर राक्षस के चंगुल में बंदी बनाई गई 17,000 रानियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया था। तब इन रानियों ने चंगुल से मुक्त होने के बाद जड़ी बूटियों से स्नान कर श्रृंगार किया था। तब से आज तक भारतीय महिलाएं इस दिन को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाती हैं और अपने आप को सजाती और संवारती हैं। विदेशी महिलाओं ने सजने संवरने के बाद अपने इस अनुभव के बारे में भी बताया कि यहाँ आने पर रूप चतुर्दशी के बारे में जानकारी मिली थी। हमने भी भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रृंगार किया है। हमें यह सब करके बहुत अच्छा लगा। And today has been like spectacular. We got all these saris and all this beautiful makeup, and I really feel really special and beautiful as an India woman. It has been a really nice day, and the beautiful, he's a really nice woman, so it has been a great day. I think this is one of the experiences I will remember for the rest of my life, so it's really nice and something so different that I never like done before. So it's so huge. Like, Indian culture is something that you really have to have the mindset and years. This is my third time in India, but it's definitely not the last, so I have so much to see still. I'm a makeup artist also in Finland, but there's something that I don't do myself, but it's really beautiful how the way like Indian women do their makeup and all the jewelry. I never had this much jewelry, but I really like it, and all the golden things. And a really good experience, and I was just walking in the streets, and then some people came to me and asked, wow, you go to the beauty parlor and get dressed like a Maharani, or so that's a really strange and good experience. Yeah, amazing one. और भारतीय महिला भी यहाँ श्रृंगार करने आती है और इसमें विदेशी महिलाओं ने भी रुचि ली है। आज वो भी भारतीय तरह से श्रृंगार करवाया है उन्होंने। आज पूरा आयुर्वेदिक पे हमने ये किया है और उन्होंने आयुर्वेदिक ही सारा हर्बल पर ही ज्यादा जोर दिया है विदेशियों ने, और उसी की तरह से हमने हर्बल सारा प्रोडक्ट यूज ले रखा है।